हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर क्रिस्टल स्पार्कल स्टेनलेस स्टील का ये वाटर फिल्टर है। अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और साथ में इसमें क्या क्या मिल जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा और कैसे सेटअप करना है वो भी आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है 3 पीस कैंडल इसके साथ अवेलेबल है। तो एक जो कैंडल आप देख रहे हैं ये दोनों इसके साथ अवेलेबल था, एक थोड़ा सा जो टाइट करने वाला था उसके पास एक अवेलेबल नहीं था तो मैं उसकी जगह चेंज करवाया, तो फिर उसके जगह पर ये कैंडल अलग से मिला। तो इस तरह से 3 पीस यहाँ पर साथ में मिलेगा, तो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्रिस्टल का ये स्टेनलेस स्टील का ये देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी यहाँ पर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये नल अवेलेबल है साथ में, तो इस नल का हम यूज करेंगे इसमें। ये जो नल है ये फाइबर का नल है, ये स्टील का नहीं है। स्टील के नल में क्या होता है कि उसमें जस्ता मिला हुआ रहता है, वो यहाँ से खराब हो जाएगा, बट ये जो है ये फाइबर का नल है तो इसका मैं यूज करूँगा। इसमें ये इस तरह से यूज करना है, ये नल का सेटअप कैसे करना है वो भी आप देखेंगे। मिल जाता है ये ऊपर का कैप में लगाने के लिए। इसके बाद आ जाता है इसमें 2 पीस, तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये आ जाता है नीचे का, ये जो आप देख रहे हैं नल को यहाँ पर सेटअप करना है, ये साइड में देखेंगे। और ये आ जाता है ट्यूब, देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्वालिटी बेस्ट है, ये थोड़ा हैवी है। और यहाँ पर मोहर आ जाता है कि ये क्रिस्टल का है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्रिस्टल स्टील का है, तो हैवी है। इसमें गारंटी दिया है, ये पूरे कोल में आ जाता है, ये जो देख रहे हैं कहीं भी आपको यहाँ पर ज्वाइंट नहीं मिलेगा। ज्वाइंट रहने पर वहाँ पर येल्लो होगा, उसके बाद फिर वहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है, बट इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है फटने का या भी कुछ होने का तो फिर ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, ये वारंटी में है। तो इस तरह से आप देखें ऊपर साइड का, तो ये भी देखने को मिल जाएगा। ये आप जब भी देखें तो यहाँ पर देख लें कि ये मोहर जो लगा हुआ है डायरेक्ट किया गया, ये देखें ये छूटेगा नहीं, ये डायरेक्ट जहाँ से बन करके आउट होता है उसका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्रिस्टल स्टील ये आ जाता है। और 3 कैंडल का यहाँ पर सेटअप आप देख सकते हैं, ये हॉल में 3 कैंडल को एब्जॉर्ब करना है, इसके बाद ये फिल्टर सेटअप हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर इसको सेटअप करके दिखाऊंगा। सेटअप करने से पहले यहाँ पर आ जाता है कैंडल, तो कैंडल को कैसे सेटअप करना है वो आप देखेंगे। साथ में आ जाता है ये आपको रखने के लिए दिया गया है, इसे जिसे आप इस पर रख करके इसके बाद इस पर रखेंगे, इस तरह से ये आ जाता है। तो इस तरह से फिल्टर को रखने के बाद ये अच्छे तरीके से सेटअप रहेगा। फिर आ जाता है फ्रेंड्स ऊपर का कैप, तो कैप भी देख सकते हैं काफ़ी हैवी में दिया गया है, ये देख सकते हैं इसमें भी सेटअप करना है। यूज करने से पहले इसको पहले क्लीन करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे वाटर में क्लीन करूँगा। एक बार टेस्ट कर लें कहीं कोई डैमेज नहीं। उस समय के लिए हम इसमें वाटर में इस तरह से डाल करके अच्छे से इसके वाश करेंगे। इसके बाद लगाने के बाद इसमें पानी डाल करके करीब हम 10 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद यूज करेंगे, नहीं तो फिर इसकी पानी में जो है वो इसका स्मेल आएगा। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इसका स्मेलिंग आएगा, इसलिए 10 आवर के बाद ही आप उसके वाटर को यूज ले सकते हैं। सेटअप करने से पहले मैं इसे जरा सा वाश कर लूँगा, ये नल को भी सभी को मैं वाश करके लाता हूँ, क्योंकि इसमें जो डस्ट है वो हटाना है, क्लीन करना है, इसके बाद सेटअप करूँगा। तो फाइनली मैं इसे वॉश करके लाया, आप देख सकते हैं इसमें जो भी डस्ट था वो मैं हटा लिया पहले। न्यू में आप जब भी आप इस तरह से सेटअप करें तो पहले आप इसे वॉश कर लें, घर के यूज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा।
सेटअप करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक बासर को लें और इस तरह से लगा दें। ये देखें, ये सेटअप के लिए है, इस तरह से देना है। ये लगाने के बाद एक वाशर यहाँ देना है, इसके बाद ही जब आप वाश करें तो इसमें भी वाटर डाल करके अच्छे से इसके अंदर का जो भी डस्ट है उसे भी निकाल दें। चलिए अब मैं यहाँ पर सेटअप करूँगा। फिर एक यहाँ पर ये लवर का वाशर को लगाएं, इसके बाद ये स्टील के वाशर को लगाएं, इसके बाद फिर आप इसे सेटअप करें। फिर आप दोनों साइड से हल्के हल्के टाइट कर सकते हैं इस तरह से टाइट कर दें। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा लूज है तो आप प्लास का हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर इस प्लास का जरा सा हेल्प ले रहा हूं टाइट करने के लिए। अंदर से इसे पकड़ लें और हल्के से टाइट कर दें। बस अब ये अच्छे से टाइट हो चुका है, यहाँ से पानी जो है वो लीकेज नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह से मैं दूसरे को भी सेटअप कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहां पर तीनों सेटअप कर दिया हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये तीनों सेट हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें इनसाइड में देखेंगे तो यहां देख सकते हैं कि तीन जो कैंडल है वो अच्छे तरीके से मैं यहां पर तीनों कैंडल को सेट किया हूं। ये देख पाएंगे आप, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेटअप हो चुकी है। अब देखें, अब आ रही आई यहां पर नल का को कैसे सेटअप करना है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो इस तरह का वाटर फिल्टर लेते हैं और उसका सेटअप खुद से करते हैं या फिर वो करवा के लाते हैं, या फिर कौन सा वाटर फिल्टर लेना चाहिए जो काफ़ी हैवी होता है। यहाँ भी देख सकते हैं आपको नल में दो वाशर देखने को मिल जाएगा, एक वाशर ऐसे ही रखना है, थोड़ा सा एक बार इसे आप रोटेट कर दें। अब देखें, दूसरे वाशर को लेना है और इस साइड से यहाँ पर सेटअप डालना है और दूसरे को इन साइड में लगाना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर सेटअप करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे, एक वाशर को लेकर के यहाँ पे डालना है, इसके बाद ये जो देख रहे हैं आपका क्लिप, ये आपको इस तरह से लगाना है सेटअप करने के लिए और इस तरह से टाइट करते जाना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये नल को भी काफ़ी अच्छे से सेटअप कर दिया हूँ। ये देखेंगे साइड में भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही से अब ये वर्क करेगी इस तरह से। देख रहे हैं इसे उठाने के लिए आप इसका यूज करेंगे। देख सकते हैं ये भी मैं सेटअप कर दिया हूँ। तो फाइनली सब सेटअप हो चुका है। चलिए अब मैं आपको इसमें सेटअप करके इसके बाद इसमें वाटर को इन करूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इस फिल्टर में वाटर को डाला था। अब देख सकते हैं कि इसमें कुछ हद तक यहाँ पर ये वाटर जो है वो फिल्टर हुआ है। करीब 1 आवर का ये वक्त लिया, तो ठीक है, स्पीड इसका स्लो मोशन में ये अच्छी तरीके से फिल्टर कर रहा है, यही होना चाहिए धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि वाटर जो है वो क्लीन रहेगा और फिल्टर की कैपेसिटी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फिल्टर भी हो रही है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर वाटर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाटर को निकाल के दिखाऊँगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिल्टर अच्छी तरीके से हो चुका है और वाटर जो है वो बिल्कुल ही क्लीन सेफ आ चुका है। तो इस तरह से मैं इस वाटर को
यहाँ पर मैं इस वाटर फिल्टर को सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद जो भी जैसे जैसे सेटअप करना था वो सारा सेटअप करके मैं दिखाया, और देख सकते हैं ये वाटर जो है वो बिल्कुल ही क्लीन आ चुका है इस तरह से। और अगर देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट बार है तो फर्स्ट बार में आप वाटर को इस तरह से जो मैं अभी निकाला हूँ इसे इस तरह से यूज नहीं लेना है। और जब वाटर जो है दूसरी बार आपको डालना है, टोटल जब निकल जाए उसके बाद दूसरी बार डाल करके इसके बाद वाटर का यूज करें ड्रिंकिंग के लिए। वाटर में थोड़ा सा आपको दिखने को मिलेगा इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, और ये जो वाटर है थोड़ा सा इसमें स्मेल आएगा जब आप यूज करेंगे तो। बट फ्रेंड्स, आपको इसमें सारा डिटेल जो है वो आपको दे दिया गया है, और मैं जो बताया हूँ उस तरह से आपको ये फिल्टर को सेटअप करके कैंडल को यूज करने से पहले मैं सिर्फ नॉर्मल वाटर में इसे क्लीन किया। आप चाहें तो इसमें वाइल्ड वाटर में भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं, 3 से 4 आवर तक उसमें रख सकते हैं, इसके बाद आप इसका यूज लें, ये काफ़ी बेस्ट होगा। उससे क्या होगा कि जो इसमें स्मेल रहेगी वो नहीं आएगी, वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मल वाटर में अगर आप यूज लेते हैं तो आपको जितना ही वाटर इसमें डाला हुआ है वो सभी फिल्टर होने के बाद उसे फेंक दें, इसके बाद फिर दूसरे वाटर का यूज करें, इसके बाद फिर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वाटर आएगी, वो भी फिल्टर होने के बाद फिर आप उसका यूज ले सकते हैं। तो फाइनली सेटअप हो चुका है फ्रेंड्स, फिल्टर भी अच्छे से हो रही है। तो इस तरह से मैं आपको क्रिस्टल का वाटर फिल्टर के बारे में डिटेल से बताया और सारी जानकारी दिया। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी लेकर के आऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।